मैं हूँ कुमार पाल राणा लोकास के साथ और ये है मेरे दोस्त मानवेंद्र सिंह राणा। हम देखो भैया, हम कमरा पे आए थे, हमारे पेपर चल रहे हैं, तो हम यहाँ से घर को जा रहे हैं। तो जो हमारा सामान, देखो थोड़ा सा ही सामान है, एक बैग है, एक कट्टा है, इसमें सिलेंडर और गैस चूल्हा है और हम लोगों के ये बैग हैं। तो अब हम यहाँ से अपने घर जा रहे हैं, तो हम आपको रास्ते में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। हैं अभी कचला गंगा घाट पर, हम आपको बताए थे जैसे पहले कुछ सीन रहेंगे, तो आइए हम तुमको दिखाते हैं यहाँ के कुछ फीचर्स के बारे में बताएंगे। दोस्तों यहाँ पे ये आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा सीन है यहाँ पे, और आज काफ़ी लोग गंगा स्नान करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, और वैसे भी आज पर्व मनाया जाता है आज के दिन, तो काफ़ी लोगों की भीड़ है यहाँ पर। तो हम लोग भी सोचा कि तुमसे तो वैसे ही आए थे पेपर देखे, तो सोचा कि चलो गंगा स्नान करके चलते हैं यहाँ घर के लिए। तो काफ़ी अच्छा सीन है, आपको हम और भी दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे ये पुल बना हुआ है, ट्रेन है काफ़ी अच्छा है ये भी, इसमें काफ़ी इसकी मरम्मत हुई है, काफ़ी अच्छा सीन है इसका भी वैसे भी। और यहाँ पे वैसे भी काफ़ी लोग रहते हैं यहाँ पे, ये प्रसाद वसाद हर चीज़ मिल जाती है आपके लिए वैसे भी। और गाड़ियों से लोग आते हैं, बाहर से आते हैं, ये नहीं है कि नहीं, आस पास के लोग आते हैं, काफ़ी काफ़ी दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। चलो आके हम गंगा के स्नान के लिए देखते हैं, और भी लोग से देखेंगे, बातें करेंगे, तो फिर आपके लिए अगले सब दिखाएंगे। देखिए दोस्तों ये हमारी गाड़ी, हम इस पर बैठ के आए थे, ये हमारे पास ये सामान का गट्टा जैसे कि हमने पहले दिखाया था, और हम तीन लोग थे इसलिए गाड़ी पे तीन लोग नहीं आ पाए, तो मैं रोडवे से आया था और ये दोनों लोग बाइक से आए थे, और ये हम लोगों के बैग जिसमें हमारे सामान रखे हुए हैं, रूम से आए हैं जो भी सामान लेके आए हम लोग, और कपड़े भी हमारे, बुक्स भी इसी में रखी हुई है दोस्तों। तो चलो भाई अब गंगा स्नान करते हैं, फिर आप लोगों के लिए और बहुत सी चीज़ें दिखाएंगे। सोचा दोस्तों कि हमने हमारे पेपर हो जाएंगे तो गंगा स्नान करेंगे, तो देखो हम गंगा स्नान करने आ गए, हम गंगा स्नान करते हैं, उसके बाद आपको के बाद दिखाएंगे और भी कुछ चीज़ें दिखाएंगे। चलिए आइए नहाते हैं। तो हम लोग इस समय आ चुके हैं गंगा में स्नान करने के लिए। देखिए ये कुछ अंदर का सीन है आप लोगों के लिए, देखिए यहाँ पे हम लोग स्नान करने वाले हैं और बैठे हैं गंगा में, मस्ती कर रहे हैं दोस्तों। देखिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे म्यूजिक भी लगा हुआ है, तो काफ़ी एंजॉय मिल रहा है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे गंगा का सीन कुछ यहाँ पे ऐसा है कि आप लोगों के लिए दिखाते हैं, ये देखो ये करते हुए गंगा में स्नान, और ये भी काफ़ी मस्ती कर रहे हैं दोस्तों। काफ़ी दिनों के बाद गंगा स्नान कर रहे हैं ना, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। हाँ तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपने गांव, जैसा कि हमने अभी बताया था कुछ देर पहले कि हम गांव जा रहे हैं रूम से अपने, तो हम आ चुके हैं अपने गांव के लिए, और यहां पर आप लोगों को कुछ दिखाएंगे, जैसा कि हमने बताया था पहले ही कि गांव में चल के कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो आपको दिखाएंगे, मतलब खेती कैसे की जाती है, किस प्रकार की जाती है हमारे गाँव में, और अपना गाँव भी दिखाएंगे। अभी चलेंगे थोड़ी देर में अपने गाँव के लिए, और पहले आप जंगलों का सीन देख लीजिए हमारे यहाँ पर कैसे जंगल होते हैं। हाँ तो दोस्तों ये देखिए हमारी फसल है, ये ईख है, इसमें मेंथा हमने बो रखा है देखिए, और इधर देखिए जो हमने गेहूँ की फसल बोई थी उसका जो भूसा बचता है वो हमने इसमें बांध दिया है, जिसे बोंगी कहते हैं देसी लाइफ में, और इससे अगर बड़ा हो तो इसको बोंगा कहेंगे। तो दोस्तों हम आपको अब अपने गांव की तरफ ले चलेंगे, इससे पहले हम आपको कुछ दिखाएंगे कि हमारा गांव किस रास्ते से होके गुजरता है, कहां पे पड़ता है। दोस्तों हमारे गांव के लिए कुछ ज़्यादा खास रास्ता है नहीं, वैसे लोकल सवारी के द्वारा आना जाना रहता है, कोई ऑन रोड नहीं है जो हाईवे के किनारे पर बसा हुआ हो। ये बहुत ही छोटा गांव है हमारा, और सिंपल तरीके से अपनी लाइफ जीते हैं सभी लोग, खेती करके मजदूरी करके। यहाँ के लिए कोई बस ट्रेन या कोई वैसी सवारी नहीं मिलती है, यहाँ हम कभी पैदल भी आते हैं अपने गाँव के लिए, तो किसी की बाइक मंगानी पड़ती है अगर नहीं हो तो। तो दोस्तों अब हम चलो आपको दिखाते हैं अभी अपने, हमने आपके लिए जो ईक दिखाई थी उसकी पानी के द्वारा भराई हो रही है दोस्तों, पानी लगा रहा है इसका मतलब, तो हम उसका इंजन भी दिखाएंगे आपके लिए कि कैसे पानी देता है इंजन, और किसके द्वारा हम फिटिंग करके उससे पानी अंदर से पानी निकालते हैं। तो देखिए आप ये लोग ये भी। हाँ तो दोस्तों हमने जैसे बताया था कि इंजन चल रहा है, तो देख रहा होगा आपको हमारा इंजन चल रहा है वो, और ये देखो भरा है, यहाँ पर पानी आ रहा है और हमारे खेतों में जा रहा है पानी। इसी भरा के द्वारा दोस्तों हम अपने खेतों के क्यारियों के लिए पानी भेजते हैं, जिसके द्वारा आसानी हो पानी भेजने में, कितनी भी दूर से भरा के द्वारा हम पानी भेज सकते हैं। तो ले चलते हैं पास में, इंजन दिखाते हैं अभी पानी कैसे दे रहा है वो, पास में लेके चलते हैं और दिखाते हैं।
दोस्तों हमारी आवाज़ नहीं आ पा रही होगी क्योंकि यहाँ पर इंजन की आवाज़ हमारी आवाज़ से ज़्यादा तेज है। तो दोस्तों देखो जैसे हमने बताया था कि इंजन चल रहा है, और देखो दोस्तों हमारे भाई ये पानी पी रहे हैं, देखो हम ऐसे भी पानी पीते हैं। और देखो दोस्तों यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि इंजन किस तरह लगाया जाता है, देखो ये पानी पी रहे हैं और हम चलते हैं आगे की ओर। भीगा मैं तो भीगा। देखो दोस्तों ये है हमारा रोड जो हमने तुम्हें बताया था। तो दोस्तों ये है एक सिंपल रोड हमारे गांव की। हमारे गांव का सीन आपके लिए कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं, और ऐसी वीडियो हम आगे आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए।